हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग मामले पर सुनवाई करते हुए ये माना है कि लोगों को वहां दिक्कत हो रही है, लेकिन सुनवाई सोमवार तक टाल दी है। कहा है कि चुनाव के बाद होगी सुनवाई। मामले के याचिकाकर्ता अमित साहनी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं आज कोर्ट में क्या हुआ। अमित जी, आपने शुरू में जब अपनी बात रखनी शुरू की तब कोर्ट उससे सहमत नजर आ रही थी, लेकिन सुनवाई फिर टाल दी, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सुनवाई टालने का पर्पज जो है इनहेरेंट कोर्ट के पास होता है। कोर्ट कभी सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर सकती है और समय को चलते हुए और हो सकता है कि चुनाव को देखते हुए कोई ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए न्यायालय ने इस याचिका को सोमवार के लिए रख दिया, जिस पर एक पूरी बहस सुन करके उस पर फैसला लिया जाएगा। अच्छा, क्या बातें हैं जो आप कहना चाह रहे थे कोर्ट में, जो आप विस्तार से रख नहीं पाए? देखिए, ये तो बात हम रख पाए कि 55 दिन हो गए हैं, ये रास्ता नहीं खुला है। आम जनमानस को समस्या हो रही है, लोगों को रास्ता ऐसे लंबा होकर के जाना पड़ रहा है, पेट्रोल की वेस्टेज हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है और ये सभी तरह की समस्याएं हैं। और विशेष तौर पे जो आपके अधिकार हैं किसी व्यक्ति विशेष के या ग्रुप के, वो अधिकार ही हैं प्रोटेस्ट करने के, पर उस प्रोटेस्ट से किसी और के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ये हमारा मेन मुद्दे मोटे तौर पर कहना ये था। और आप जो है ये कह रहे थे कि सरकार ने या प्रशासन ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है इस बारे में, तो आपने पक्षकार जो अपोजिट पार्टी है वो किनको बनाया, रिस्पोंडेंट किनको बनाया है और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपकी मांग है? देखिए, हमने दिल्ली पुलिस को, भारत सरकार को और दिल्ली सरकार को इसमें मुख्यतः पार्टी बनाया है और हमने ये मांग की है कि इस रास्ते को खाली करवाया जाए। और दूसरा, हमने ये भी मांग की है कि वायलेंस को अवॉइड करने के लिए, ताकि कुछ मामले पूरी हिंसा ना हो, हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश या हाई कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश से इसकी मॉनिटरिंग करवाई जाए, ताकि ऐसी कोई हिंसा की कोई ऐसी वारदात ना हो सके। आपने ये भी मांग की है कि वहां पर जो लोग भाषण दे रहे हैं या जो शामिल होते हैं उन पर भी एक निगरानी रखे जाने का निर्देश कोर्ट दे, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, आपने पिछले दिनों देखा कि बहुत सारी देश को तोड़ने की बातें शाहीन बाग के मंच से कही गई और ऐसी वारदातों को रोकने के लिए हमारी गुजारिश थी कि जो भी लोग वहां पे जाके भाषण देते हैं, बयान देते हैं, और चाहे वो ऑर्गेनाइजर हों, चाहे वो नेता हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी संबंधित हों, उन सबकी भाषणों पे जो है मॉनिटरिंग करी जाए, ताकि वहां पे देश को तोड़ने की बात ना हो। उनकी जो मांग है वो बात ठीक है, पर देश को तोड़ने की बात को नहीं कहा जा सकता किसी भी ऐसे मन से, और उसको मॉनिटरिंग करके उस पर कार्रवाई की जाए। आपके को पिटिशनर हैं बीजेपी के नेता हैं नंद किशोर गर्ग, उनके वकील ने जब ये कहा कि चुनाव है कल, उससे पहले आप सुनवाई कर लीजिए, तब कोर्ट ने कहा कि चुनाव की वजह से ही तो हम सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने क्या कहा है चुनाव को लेकर? देखिए, शायद कोर्ट के मन में ये हो, क्योंकि एक पिटिशनर एक पिटिशनर ऐसा है जो किसी पार्टी से संबंध रखता है, तो शायद कोर्ट के मन में ऐसा हो कि चुनाव को खत्म करने के बाद ही इसकी सुनवाई करी जाए, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कोर्ट ने उचित समझा कि सोमवार को इसकी डिटेल में सुनवाई करी जाएगी। एक आखिरी सवाल अमित जी मेरा आपसे, आप वैसे तो आप हाईकोर्ट से होते हुए यहाँ पर आए हैं, हाईकोर्ट ने कोई अच्छे से ऑर्डर नहीं दिया था जिसका कोई इंपैक्ट हो सके, जिसकी वजह से आपको यहां पर आना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला हाईकोर्ट ही सुने तो बेहतर होगा, क्या कहा है मंडे को, क्या इस बात पर भी आर्ग्यूमेंट होगा? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा कि आप इस बात के लिए भी तैयार रहें कि आपने जो एप्लीकेशन लगाई है मॉनिटरिंग की, कि वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज द्वारा मॉनिटर करा जाए, तो क्यों ना ये मामला हाईकोर्ट ही डिटेल से सुने। और हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो इस मामले को हाई कोर्ट पर भी भेज सकती है, पर वो मंडे को देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधीश क्या फैसला लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सहमति तो जताई है इस बात से कि वहां पर दिक्कत हो रही है लोगों को, शाहीन बाग के आसपास जो आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से कालिंदी कुंज वाला रास्ता बंद है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि चुनाव के बाद सुनवाई करना उचित रहेगा। सोमवार को कोर्ट ने आगे की सुनवाई की बात कही है, तो साफ तौर पर जो राजनीति शाहीन बाग को लेकर इस समय दिल्ली में हो रही है, कहीं ना कहीं कोर्ट को भी इसका एहसास है और कोर्ट की किसी भी ऑब्जर्वेशन का, किसी भी टिप्पणी का असर चुनावी राजनीति पर पड़ सकता है। इसके मद्देनजर कोर्ट ने सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया है। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। मैं शेखर कपूर
लेके आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।